Breaking News. घटना में आए घायलों के इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर कर रहे खुली लूट। सत्ता के जुनून में खुलेआम कर रहे हैं प्राइवेट चिकित्सालय के डॉक्टर मरीजों के इलाज के नाम पर खुली लूट। जी हां जनाब, यह एक कड़वा सच है। मामला जनपद बरेली में उत्तराखंड क्षेत्र रूदपुर निवासी संदीप व उनके परिजनों की बरेली की ओर आते वक्त दियोरमिया थाने के पास एक ट्रक से बुलेरो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो जाने को लेकर दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें थाना देवरिया से बरेली स्थित एक चिकित्सालय नवोदय अस्पताल के डॉक्टर उमेश कुमार के पीआरओ अतुल कुमार एम्बुलेंस संच लग के माध्यम से उन्होंने दुर्घटना में घायल दो लोगों को, जिसमें संदीप उनके भाई जिनके चेहरे पर वो हाथ में मामूली सी चोटें थी, जिस पर इलाज के नाम पर नवोदय अस्पताल के डॉक्टर उमेश कुमार ने एक दिन के इलाज के नाम पर उनसे 25,000 रुपए की धनराशि वसूली। यह बात दुर्घटना में घायल पीड़ित संदीप ने मीडिया से रूबरू होकर अपने दिए वक्तव्य में कही। संदीप ने बताया कि उनको किसी भी तरीके का अस्पताल प्रशासन ने कोई बिल नहीं दिया, न ही उनका कोई इलाज किया गया, सिर्फ पट्टी बांधकर 25,000। संदीप जी, आप कहां पर पोस्टेड हैं? रुद्रपुर में। किस? अच्छा, ये जो घटना हुई आपका सेंड हुआ है, ये कहां की घटना है? ये सर देवरिया से थोड़ा आगे, देवरिया थाने से थोड़ा आगे। क्या हुआ था, शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट में ये हुआ, जैसे हम यहाँ से बरेली से कानपुर टैकअप में जा रहे थे, लगभग 5 बजे टाइम था, जैसे देवरिया क्रॉस किया हमने, तो वहाँ आगे कट बना था, हम तो अपने साइड चल रहे थे डिवाइडर में, उधर एक कट बना हुआ था, बीच में कई कट बने, उधर से ट्रक वाले ने बिना इंडिकेटर दिए एकदम से इसी तरह से गाड़ी मोड़ दी। अब हमारी गाड़ी भी 70-80 स्पीड में थी, अब एकदम से ब्रेक मारते मारते नहीं मार पाते और सीधे उसके आगे ठुक गए, ट्रक भी लौट रहे थे, उसमें इंजरी क्या हुई, मतलब मेरे जो साले साहब हैं वो ज़्यादा ही डैमेज हो गए, मैं आगे बैठा था वो गाड़ी चला रहे थे, उनके दोनों पैर टूट गए, फिर उन्हें क्या नाम सीने में चोट आ गई, उसके बाद फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस बुलाने से पहले वहाँ पे क्या ना, जो हमारे मोबाइल थे इनका मोबाइल भी ले लिया गया, किसी ने वहाँ से मोबाइल उठा लिया और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, पर्स और चलो जो भी है, मेरा पर्स भी नहीं मिला, मेरा पर्स भी सुबह मेरा सारे आई कार्ड और एटीएम कार्ड सारे उसी में गाड़ी के अंदर रखा था। यहाँ बरेली कैसे आया? फिर यहाँ फिर उन्होंने एम्बुलेंस पुलिस ने जिसने बुलाया हुआ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस वाले आया वहाँ पे, उसने एम्बुलेंस क्या नाम वहाँ से देवरिया से एम्बुलेंस से बिठाया और लेके आया और रास्ते में पड़ता है भोजीपुरा, भोजीपुरा में SRM हॉस्पिटल श्री राम मूर्ति है, वहाँ से उन्होंने हमें वहाँ एडमिट ना करने को बताया, वो हमें इतनी दूर यहाँ लेके आया, एक तो ये टाइम स्पेंड हुआ, फिर उसके बाद क्या जब इतना सीरियस पेशेंट था, उसके बाद आगे जो ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे थे उसके बाद यहाँ का ट्रीटमेंट के लिए बुलाया, यहाँ का इलाज देते देते बाद में बोल दिया कि हमारे उसके यहाँ से वहाँ ले जाओ, श्री राम मूर्ति ले जाओ। सर जब वहीं लेके जाना था बंदे को वहाँ, यहाँ कैसे लेके, यहाँ क्यों लेके, यहाँ किसने एडमिट कराया आपको? एम्बुलेंस वाले ने। एम्बुलेंस का नाम हसनैन नाम है उस बंदे का, एम्बुलेंस वाले का, और उसे मैंने फोन करके पूछा कि हसनैन भाई तुमने क्या नाम है हमें यहाँ क्यों एडमिट कराया, वहाँ क्यों नहीं कराया, तो बोलने लगा क्या नाम है कि श्री राम मूर्ति वाले लेते नहीं। मैं कह रहा हूँ वहीं की जॉब कर रहे हो, वहीं गाड़ी चला रहे हो, क्यों नहीं लेंगे आपकी बात? यहाँ जो आपको भर्ती कराया गया, यहाँ फिर कैसे ले लिया? मैंने कहा यहाँ पे कैसे एडमिट कर, मेरी जान पहचान है, मतलब ये क्या बात है? ऊपर से फिर उसने 5,000 रुपये लिया वहाँ से यहाँ लाने का। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे फिर एडमिट कराया और इन्होंने क्या करा, हाँ। कि भाई कोई पेशेंट आएगा, हाँ। जो बंदा लेके आया एडमिट कराने, उसका नाम और मोबाइल नंबर तो एंट्री करो कम से कम, बिल्कुल फोन लेके आया है, बिल्कुल सुबह मेरे को फॉर्म साइन कराने आ रहे हैं कि आप इन्हें साइन करिए और एडमिट कराना, उन्होंने मेरी वाइफ का नाम लिख दिया, आपकी पत्नी का नाम लिखा है उन्होंने कि इन्होंने एडमिट कराया, जबकि इन्होंने एडमिट नहीं कराया, एडमिट नहीं कराया, जब से मैंने साइन करा दिया कुछ कागज फॉर्मों पे, इन्होंने साइन करा दिए, एक लास्ट फॉर्म रहेगा तो मेरे को साइन करा दिया, मैंने उस कागज को पढ़ने से पहले नहीं साइन किया, मैंने पहले पढ़ूंगा तब साइन करूंगा। जी जी, उसी मुझे देखा तो उन्होंने लिखा हुआ एडमिट कराने का नाम पूछा। जी ठीक है, ठीक है मैडम, आप बताइए ये जो आपके साथ भैया बता रहे हैं कि ये जो घटना हुई है, जो एडमिट कराने का मामला है, क्या आपने एडमिट कराया था या एम्बुलेंस वाले ने? एम्बुलेंस वाले ने। प्रशासन की हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी ऐसा है, ये करीब 4-5 लोग एक्सीडेंटल पेशेंट जी आए थे हमारे पास, ठीक है, मरीज एक पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस थे अनिल जी, ठीक है, बाकी उन लोगों की भी चोट आई थी, किसी के कुछ कंधे में चोट आई थी, किसी के हाथ में चोट आई थी, तुरंत जो भी थे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया, जो भी अगर कहीं सूचन लगाने थे सूचन लगाया गया, जहाँ ड्रेसिंग की जरूरत थी ड्रेसिंग करी गई, ठीक, बाकी टोटल मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया, किसी को बाकी पेशेंट सही है, बाकी सारे पेशेंट ठीक हैं, एक पेशेंट अनिल जी वो बहुत सीरियस थे, स्टार्टिंग से बताया गया था बहुत सीरियस है, उस टाइम इनके घर वाला और भी थाने जो भी लोग थे सबके सब चोटिल थे, तो इसलिए इनसे कोई और बात भी इनसे कर नहीं सकते, ये कुछ बता नहीं सकते थे, सब अफरा तफरी जैसा माहौल होता है जब एक साथ कई सारे लोग आते हैं एक्सीडेंट में। फिर अनिल जी को भी टोटल तुरंत ट्रीटमेंट दिया गया, डॉक्टर HS अग्रवाल जी हड्डी वाले, ठीक है, वो बाकायदा यहाँ पर मौजूद थे, सारा ट्रीटमेंट उनकी देखरेख में दिया गया, पेशेंट की दोनों टांगों के फ्रैक्चर थे, अगर एक
टांग टूट मतलब हड्डी टूटती है, फीमर बड़ी जो बोन होती है तो उसमें डेढ़ से दो लीटर तक का खून निकलता है। लेकिन तो पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक था, जो भी फ्लूड दिया जाता है, क्रिस्टलाइट दिया जाता है, सब कुछ उसको दिया गया, करीब 3-4 लीटर फ्लूड दिया गया। उसके बाद भी पेशेंट बिल्कुल पेल था। इनके जब साथ वाले आए तुरंत फोन किया जाता है साथ वालों को, जैसे कैसी अगर नंबर जैसे किसी के पर्स में है, खबर है या कहीं मोबाइल है तो साथ वालों को फोन किया जाता है। जो भी लड़के लाए होंगे उन्हें फोन कर दिया होगा। फिलहाल थोड़ी देर में ही लोग आ गए, जब आ गए तो उन्होंने बताया कि पेशेंट की एनर्जी है, उनकी हालत बहुत सीरियस है, बाकी पेशेंट सब ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सर जो आपका एम्बुलेंस वाला जो बंदा है जिसने आपको इनको मिसगाइड करता है कि पुराने अस्पताल में चलते हैं, 5,000 रुपए इनसे लिए गए, वो क्या आपके यहाँ लगी एम्बुलेंस? देखिए वो एम्बुलेंस जो है लोग ये कई लोग पर्सनल एम्बुलेंस चलाते हैं। अब ये होता है ये लोग पेशेंट आते हैं ठीक, देखिए कोई भी अगर आदमी पेशेंट आ रहा है बाद में पेशेंट वाले उनसे भी मिलते हैं तो उसकी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी जगह ले जाएं जहाँ भी इलाज ठीक हो, सस्ता इलाज हो, बढ़िया इलाज हो, जो आगे अगर ये लोग हमसे मिलें तो कोई ये कहें भी आपने अच्छी जगह दे गए हमारा इलाज। लेकिन सर फॉर्मल इलाज जो ट्रीटमेंट हुआ है जिसको वो देख रहा है जो केवल ड्रेसिंग पट्टीज वगैरह हुई है उस पर 15,000 समथिंग रुपीज आपको नहीं लगता सर क्या ज्यादा है? जी इसमें खाली ड्रेसिंग नहीं हुई है, इनका सूचर वगैरह भी रिपेयर हुए हैं, जहाँ भी जो ब्लीडिंग अगर है तो उसको रिपेयर किया गया है। लेकिन ब्लीडिंग सर अभी भी कंटिन्यू मरीज के अंदर जारी है। अगर अगर बड़ा घाव है जहाँ पे कुछ खुली चोट होती है तो उसमें थोड़ा सा सोकेज हो सकता है। ठीक है, जैसे ड्रिप लगी है आपकी, अब जो ड्रिप लगाई गई है वो ड्रिप में भी उसमें से ब्लीडिंग चल रही है? ड्रिप से ब्लीडिंग नहीं चल रही है, ड्रिप जो है कई बार कैथ ब्लॉक हो जाता है, अगर कैथ ब्लॉक हो जाता है तो उसे हटाकर दूसरा कैथ लगाया जाता है। सर आरोप है पीड़ित का कि आपके नवोदय अस्पताल के जो चिकित्सक हैं वो गंभीर लापरवाही के चलते उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अब देखिए क्या कहना चाहिए, तो मेरे यहाँ कम से कम 20-25 पेशेंट। लेकिन इसका संज्ञान मुझे आपके मीडिया के ही माध्यम से हुआ है, मेरे पास अभी कोई शिकायतकर्ता द्वारा या प्रार्थी द्वारा कोई शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत प्राप्त होगी तो मैं इस पर डेफिनेटली स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। और ये बिल्कुल अनुचित है जो सरकार ने 108 एम्बुलेंसेज जगह जगह स्थापित की हैं और जन जागरण में इस बात का पूरा प्रचार है कि किसी भी आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में 108 एम्बुलेंस का प्रयोग करें जो निःशुल्क है और नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में आपको लेके जाएगी। इस तरीके की एम्बुलेंसेस खड़ी करना, किसी दूसरे के नाम से खड़ी करना और एम्बुलेंसेस का एक विशेष कमीशन लेके सीधे संबंधित अस्पताल में लेके आना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये समाज विरोधी बात है और इसमें गरीब जनता का ही नुकसान होता है। जैसा आप बता रहे हैं कि एक छोटी सी ड्रेसिंग के नाम पर 25,000 रुपये लिए, मुझे शिकायत प्राप्त जैसे ही होती है मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर इस पर सख्त सरकार करती है।